बटाला दी 8 साला बच्ची त्रिशा वर्मा ने कर्नाटक विच होए 7 देशां दे कराटे मुकाबलियां विच सिल्वर मैडल जीत के बटाला दा नां रोशन कीता है। इस मौके परिवार वाले बेहद खुश हन अते उहनां नूं बधाई देण वालियां दा भी तांता लगा होया है। त्रिशा दी इस प्राप्ति ते जिथे उहनां दे रिश्तेदार अते दोस्त मित्र उहनां नूं बधाई दे रहे हन, उत्थे ही परिवार नूं भी त्रिशा तों होर भी उम्मीदां हन। परिवार का कहना है कि त्रिशा एक होनहार बच्ची है अते उसने कराटे विच इस तरह की प्राप्ति करके जिथे परिवार का नाम रोशन किया उथे ही इलाके का नाम भी वधाया है। बच्चों का जिथे कॉम्पीटिशन होया वह 4th इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप फॉर शिमोगा जो कि कर्नाटका दे विच हैगा। उहदे विच बच्चा ने 3000 स्टूडेंट सी जो कि कलर बैड्स दे नाल रिलेटेड सी, जिवें येलो बैड, ब्लू बैड, पर्पल बैड, ब्राउन बैड एंड ब्लैक बैड तक बच्चे ही जिहड़े उत्थे पार्टिसिपेट कर रहे सी। साडे बच्चा ने उहदे विच वाइट बैड दे विच पार्टिसिपेशन कीता। कॉम्पीटिशन बहुत ज़्यादा टफ सी, उहदे विच बच्चा ने किसी ने गोल्ड, किसी ने सिल्वर, किसी ने ब्राउन ट्रॉफीज प्राप्त कीतियां ने। टोटल स्टूडेंट्स जो गए सी वह 12 स्टूडेंट्स सी, उहदे विच त्रिशा वर्मा ने सेकेंड ट्रॉफी हासिल की है। तो सर रीजन है कि बैक पिचिंग बहुत ज्यादा गया है, जो पेरेंट्स कई अफोर्डेबल होंगे वो भेज देंगे, जो नहीं कई बार अफोर्डेबल होंगे वो पिछे रह जाते हैं, पर कई बार असं खुद भी अचीवमेंट्स दे दें कि बच्चे कोई गल नहीं तुम चलो तो सही आप लगे हाँ, पर फिर भी पेरेंट्स कई यहोजे होंगे कि नहीं जी असं अपने बच्चे नहीं भेजना है। मैं उन्होंने पेरेंट्स को भी कहनी हाँ, हाथ जोड़ के बेनती करती हाँ कि प्लीज अपने बच्चों अपनी कुड़ियों अपने मुंडिया घरों बहर कढ़ोगे तो ही उन्होंने दुनिया बारे अपने बारे नॉलेज पता लगेगी। तुहानू भी पता सारे नू कि अज के टाइम विच बाहर का की माहौल बनया होया, सब कुछ होने के बावजूद भी बच्चे कितने ना कितने अपनी हार मान लेंगे क्योंकि उन्होंने कुछ पता ही नहीं होता। कराटे कले कराटे नहीं है, उहदे नाल सैल्फ डिफेंस भी जरूरी है। बस उत्थे कन्नड़ चलती ही हम आप हिंदी बोल रहे उन्होंने समझ नहीं आती, बट फिर भी उतों के जोड़े ऑर्गनाइजर से विनोद वो साढ़े ना आ के कोपरेट करता सी, जी चीज़ सू ऑबजैक्शन करते उ जाके आप दसते उन्होंने सोल्यूशन सारा जरूर करता से। बच्चे की एड्डी वीड्डी अचीवमेंट से बहुत प्राउड फील होया जी, तो बहुत मन खुश है जी। परमात्मा इदा ही बच्चों गांह लैके जाए, बेटिया सानू इनकरेज करना चाहिए जी। बाकी सैल्फ डिफेंस वास्ते एक कराटे कर रही है, बहुत अच्छी गेम भी अच्छी है, तो होर भोलेनाथ की कृपा होएगी तो होर गांह के गांह बच्चे इंटरनेशनल करेंगे जी। बहुत खुश हैं जी इस अचीवमेंट का, बहुत खुश हैं जी। बहुत माण वाली गल है जी, पूरे बटाला कॉन्स्टिट्यूशन के जोड़ा मैडल आया वा इतने खत्म नहीं होंगी चीज़, मैनू इन्ना माण आ इस चीज़ के पिछे, ये डेडिकेशन के पिछे होर भी बहुत ज्यादा फैमिलीज़ ने जिहड़े जिन्हां फैमिलीज़ ने इस बच्चे तो इंस्पायर होना है। इंस्पायर दे नाल नाल उन्होंने अपने बच्चे नूं भी इहो जिही फील्ड च लियाना वा जिस बच्चा सेल्फ कॉन्फिडेंस होवे और फैमिलीज़ भी जिहड़ियां ने वो अपने बच्चों के उत्ते ट्रस्ट करन। एक बच्चा जदों मतलब डेली बच्चा जदों स्कूल जांदा है उहदे च वध तों वध भी जिन्ने भी बच्चे उहनूं मिलदे आ पूरे डेली वाले बंदे आ जिन्हां नूं उन्होंने हाय हैलो हो जाती है, बट जो एक बच्चा कॉम्पीटिशन लिए जाता उ नवे नवे चेहरे मिलते हैं, उत्थे नवे जो चेहरे आते हैं बच्चा थोड़ा बहुत अनकॉन्शियस हो जाता है, बट जो एक उन्होंने कोच जो होंगे उन्होंने लैवल जो कॉन्फिडेंस लैवल वधाते हैं वो चीज़ का बच्चा बहुत ही अगे वधदा है। इहदे च जिहड़ी पंजाब गवर्नमेंट है, मान साहब की सरकार है, आम आदमी पार्टी ने ये बच्चों के उपर बहुत ही लैके सीरीयस ने और इन्हों की प्रायोरिटी है गवर्नमेंट की, इन्हों बच्चों की हैल्थ, बच्चों की एजुकेशन। तुम भी बहुत थावान से सुन रहे हो साडे कैबिनेट मिनिस्टर श्री हरजोत सिंह बैंस जिहड़े ने वो एजुकेशन लैके बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट ने, इवन दो वो तो उच्च स्कूल के टीचर्स जिहड़े ने वो भी पंचुअलिटी के नहीं आते उन्होंने भी वो सस्पेंडी दी वार्निंग लैटर इशू कर देंगे ने, एंड बच्चों के उत्ते एक्टिविटीज़ से लैके स्पोर्ट्स लैके गवर्नमेंट उदा ही बहुत ज़्यादा सीरीयस है और जिन्ना वध तो वध भी गवर्नमेंट वालों जिहड़े लोड़मंद फैमिलीज ने स्पोर्ट्स के उन्होंने प्रॉपर हैल्प आउट होएगी। कभी सोचा नहीं सी कि मतलब बच्ची इस लाइन दे विच जाएगी, पर एदा इंटरस्ट सी इस बहुत प्राउड फील हुंदा है। आपां ते आई कहने आ कि अगे वधे ते कुछ करे,
यही कहना चाहवांगे कि बच्चे नूं बाहर कढ़ो, घरों बाहर निकलणगे ते ओह सैल्फ डिफेंड होणगे। जे आपां घरों ही नहीं बच्चे नूं कढ़ांगे ते ओह फिर किद्दां मैनेज करणगे।